फ्रेंड्स, तो ये डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का हमारा सेकंड टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारा, ऑपरेशंस ऑन डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, तो हम उन ऑपरेशंस के बारे में स्टडी करेंगे कि वो ऑपरेशंस क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं ऑपरेशंस को समझकर हम ये सारी होल प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे डाटा जो है काम करती है, कैसे इसके अंदर हर काम किया जाता है। तो हम फर्स्ट ऑपरेशन से शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है, तो फर्स्ट ऑपरेशन जो है उसका नाम है ट्रांसवर्सिंग। क्या है? ट्रांस वर्सिंग। ओके, सो फ्रेंड्स, ट्रांसवर्सिंग, अब देखिए ट्रांसवर्सिंग होता क्या है। ट्रांसवर्सिंग का डाटा स्ट्रक्चर के अंदर मतलब है कि मान लो जैसे आपके पास कोई डाटा है, जैसे मान लो आपके पास कोई डाटा है, ये मान लो थोड़ा गलत हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, इसको ठीक कर लेते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, तो ये आपके पास एक बॉक्स है और इसके अंदर क्या है, डाटा है। तो इस डाटा के अंदर एक बॉक्स है, इसके अंदर हमने यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या कहते हैं, डाटा को डालना है। तो ट्रांसवर्सिंग का मतलब होता है कि हमने हर एक रिकॉर्ड को, क्या हर एक रिकॉर्ड या फिर एक डाटा को हमने क्या करना है, एग्जैक्टली एक बार क्या करना है, ऐड करना है। जैसे एक डाटा ऐड की, दूसरी डाटा ऐड की, तीसरी डाटा ऐड की, चौथी डाटा ऐड की, पांचवी और छठी। तो हमने एक ही बार में इस डाटा को क्या किया, असेस किया कि ये अच्छे से क्या हो जाए, प्रोसेस हो जाए, क्या हो जाए, प्रोसेस हो जाए। समझ रहे हो कि मतलब ट्रांसवर्सिंग का है कि हमने डाटा को, हमने उस रिकॉर्ड को एक ही बार में असेस करना है कि वो अच्छे से प्रोसेस हो जाए। ऐसा ना हो कि हमने एक दो डाटा डाली, प्रोसेस करने की बारी आई, प्रोसेस ही नहीं हो रहा, शायद हमारा डाटा डालने का ही तरीका गलत है। तो ट्रांसवर्सिंग का मतलब है सिंपली कि वन टाइम एग्जैक्टली हमने क्या करना है, उस डाटा को असेस करना है। तो ये क्या होता है, ट्रांसवर्सिंग। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे हमारी सेकंड नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या है। तो हमारा अगला ऑपरेशन है इंसर्शन। अगला ऑपरेशन है हमारा फ्रेंड्स इंसर्शन। तो देखिए ट्रांसवर्सिंग और इंसर्शन का क्या मतलब है, इंसर्ट करना, क्या इंसर्ट करना, देखिए इस चीज पे ध्यान दीजिए, इंसर्ट करना, ठीक है। तो ये आ गया इंसर्ट करना। इंसर्ट का क्या होता है, जैसे हम सिम को इंसर्ट करते हैं किसके अंदर करते हैं, सिम को हम इंसर्ट करते हैं फोन के अंदर, तो इंसर्ट का मतलब होता है डालना। तो अभी इधर हम क्या कर रहे हैं, डाटा को डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ ऑपरेशन है जो डाटा पे चलेंगे, तो हमने डाटा को इंसर्ट करना है, इसके अंदर करना है। एक हमारे पास लिस्ट है, ये मान लो एक डाटा स्ट्रक्चर है, एक लिस्ट है हमारे पास, ऐसे करते हैं ना, इसके अंदर हमने क्या करना है, डाटा डालनी है। तो किसी भी लिस्ट के अंदर डाटा को इंसर्ट करने के ऑपरेशन को हम कहते हैं इंसर्शन। मींस कहें तो एडिंग अ न्यू डाटा, हमने एक न्यू डाटा डालना है, adding a new data into the list anywhere at the specified location, मतलब हमने इस डाटा को क्या करना है, इस डाटा को इस लिस्ट में, किसी भी न्यू डाटा को लिस्ट के अंदर एड करना है एक स्पेसिफाइड लोकेशन में, मतलब जिस लोकेशन में हम डाटा को डाल रहे हैं उस लोकेशन का हमें पता भी होना चाहिए। समझ आई? कहने का मतलब ये है कि एडिंग अ न्यू डाटा एट अ स्पेसिफाइड लोकेशन इन अ लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के अंदर क्या करेंगे, हम उस डाटा को हम क्या करेंगे,
इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्शन का मतलब है कि किसी न्यू डाटा को किसी लिस्ट के अंदर डालना, और वो जो लिस्ट होगी वो कैसी होगी, एक लिस्ट होगी जिसके अंदर हम डाटा डालेंगे, और वो डाटा क्या होगा उसके लिए न्यू होगा जिसके अंदर हमें उसकी लोकेशन बताओगे। सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ मैं। तो हम अपनी थर्ड ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डिलीशन। ओके तो देखिए फ्रेंड्स डिलीशन क्या है, सिंपल हमारे पास एक लिस्ट थी, ठीक है मैं बताता हूँ। हमारे पास एक लिस्ट थी, उस लिस्ट के अंदर ये देखो जो मतलब बॉक्स है हमारे, यहाँ पे हमने डाटा डालना था। अब इंसर्शन ऑपरेशन के थ्रू हमने क्या किया, डाटा इसके अंदर डाल दिया डाटा। अब इंसर्शन के थ्रू डाटा तो डाल दिया, तो डिलीशन का मतलब क्या है, उस डाटा को निकालना। अब उस डाटा को निकाल दिया, अब जिस मान लीजिए इसमें अलग डाटा है, इसमें अलग डाटा है, इसमें अलग डाटा है, सब में अलग अलग है, तो इंसर्शन के अंदर मैंने एक चीज पर ज्यादा जोर डाला था कि एक उसकी स्पेसिफाइड लोकेशन के अंदर हम डाटा को इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे, स्पेसिफाइड लोकेशन को हम एक लोकेशन पे क्या करेंगे, डाटा को इंसर्ट करेंगे। तो अब वो जो लोकेशन है क्या है, लोकेशन जो है उस लोकेशन को जानकर ही हम उस स्पेसिफाइड डाटा को वहां से डिलीट करेंगे या बाहर निकालेंगे। तो मतलब लोकेशन का पता होगा तो हम उसी डाटा को एक अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया वो आपको। ओके तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड डाटा टाइप के लिए, सॉरी फोर्थ के लिए। फोर्थ ऑपरेशन जो है वो है हमारा सर्चिंग। अब देखिए भाई, हमने डाटा को डाल दिया, क्या कर दिया, डाटा को डाल दिया, दो मिनट। हाँ पहले हमने डाटा को डाला, ट्रांसफर किया, मतलब कि एक हमने ट्रांसफर्सिंग में पढ़ा कि रिकॉर्ड के अंदर कैसे उस रिकॉर्ड को हमने एक स्पेसिफाइड पोजीशन पे डालना है कि वो अच्छे से प्रोसेस हो जाए। इंसर्शन पे एक लिस्ट में डाटा को कैसे डालना है उसकी लोकेशन से, डिलीशन मतलब उस डाटा को कैसे बाहर निकालना है, ठीक है वो लोकेशन में क्या जाना कि उस चीज़ को हमने कैसे वहां से बाहर निकालना है, ठीक है। तो अगला था हमारे पास सर्चिंग। अब सर्चिंग का क्या मतलब है, अब जो हमने एलिमेंट, जो हमने डाटा इसके अंदर डाला है, अरे ये क्या बोल गया, हाँ जो हमने डाटा इसके अंदर डाला था इन बॉक्सेस के अंदर, अब उन बॉक्सेस से उन एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब इस लिस्ट के अंदर उन एलिमेंट्स को फाइंड करना है, और कैसे फाइंड करेंगे, उनकी लोकेशन से ही, उनकी लोकेशन को फाइंड करेंगे, लोकेशन को मिलेगी, उस लोकेशन से उस डाटा को सर्च करेंगे, और हम डिलीशन के थ्रू उसको बाहर निकाल देंगे। देखा कि कैसे हमने सर्च की मदद से लोकेशन फाइंड की, और उस लोकेशन से फिर हमने डिलीशन ऑपरेशन लगा के उस डाटा को बाहर निकाल दिया। समझ रहे हो अब क्या हो रहा है, वैसे क्या समझ आ रही है ना कैसे ऑपरेशन काम करे। लास्ट में हम सारे ऑपरेशन को पढ़ेंगे तो इजिली क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट जो है हमारा फिफ्थ जो है वो हमारा सॉर्टिंग। वाजी वाह, बहुत ही अच्छा वर्ड है जो सुनने में आपको अच्छा लगा होगा, और क्योंकि आपने सुना भी बहुत बार होगा सॉर्टिंग। तो हम कहते हैं भाई लड़ाई होगी भाई, या कोई काम बिखर गया, या कोई चीज़ खराब होगी, तो भाई यार इस मसले को सॉर्ट कर दो यार, सॉर्ट आउट कर दो, इस मसले को ठीक कर दो यार, जैसे कैसे भी हम कहते हैं ना। तो सॉर्टिंग का मतलब है रीअरेंज करना। क्या करना, कोई डाटा हमारे पास, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे डाटा है। अब डाटा क्या थी, हमने एक ऐसे अपनी मर्जी से डाटा ली, डालते रहे डाटा, इसमें डाली डाटा डाल दिया। अब क्या है कि डाटा हमने अरेंज नहीं किया, जब प्रोसेस होगा तो शायद टाइम लग जाए वो प्रोसेस होने में, शायद वो प्रोसेस ही ना हो पाए अच्छे ढंग से, तो कोई भी प्रॉब्लम वहां पे क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग ऑपरेशन का काम करता है। सॉर्टिंग क्या करता है, उस डाटा को एक सीक्वेंस में क्या करता है, अरेंज करता है।
अब वो सीक्वेंस कैसी हो सकती है, या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीक्वेंस होगी या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीक्वेंस होगी। ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस में करेगा कि उसको कंपाइलर इजीली समझ सके और उसको जल्दी से जल्दी क्या करे, प्रोसेस करे, क्या करे, प्रोसेस करे। तो सॉर्टिंग का मतलब समझ आ गया, मतलब रीअरेंज करना है किसी भी एलिमेंट, किसी भी डाटा को किसी लिस्ट में, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में करे चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करे। और आखिरी और लास्ट जो हमारा ऑपरेशन जो है जो हम इसके अंदर करते हैं वो होता है मर्जिंग। क्या होता है वो, होता है हमारे पास मर्जिंग। अब देखिए भाई, मर्जिंग भी वर्ड सुना हुआ है, मर्जिंग भी वर्ड सुना हुआ है। देखिए मर्जिंग क्या है, देखिए मर्जिंग का मतलब जैसे कि हम कॉल करते हैं, हमारा दोस्त बोलता है भाई कॉन्फ्रेंस का कॉल कर हमारी दूसरे के साथ, तो हम वहां पे कॉल को ऐड करते हैं और वहां पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास मर्ज का। किसका ऑप्शन आता है, मर्ज का। तो मर्ज का मतलब क्या होता है, हम उन दो कॉल को एक साथ में ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मर्ज का मतलब क्या कि हमारे पास दो लिस्ट है, मान लो इस लिस्ट के अंदर एक रिकॉर्ड है प्लस हमारे पास एक लिस्ट और है इसके अंदर एक रिकॉर्ड है, इन दोनों लिस्ट को हमने मर्ज कर दिया और क्या कर दिया, एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर। तो मर्जिंग का मतलब है किसी दो लिस्ट को जोड़कर एक न्यू लिस्ट को क्रिएट कर ली, उसका मतलब होता है मर्जिंग। तो आपको क्लियर हो गया। तो अब एक बार हम रिवाइज करेंगे और समझेंगे सारे जो हमारे ऑपरेशन है ये कैसे काम करते हैं। ओके, तो चलते हैं ट्रांसवर्सिंग। ट्रांसवर्सिंग का क्या मतलब था, ट्रांसवर्सिंग का मतलब था असेसिंग ईच रिकॉर्ड, सॉरी इसका मतलब था असेसिंग ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली वंस, मतलब हर एक रिकॉर्ड को एग्जैक्टली तरीके से हमने क्या करना है, असेस करना है कि वो एक कंप्लीटली तरीके से क्या हो सके, रिकॉर्ड प्रोसेस हो सके। इंसर्शन का मतलब क्या था, इंसर्शन का मतलब था किसी न्यू डाटा को लिस्ट में डालना है और उस न्यू डाटा को जिस लिस्ट में डालेंगे उसको एक एक स्पेसिफाइड लोकेशन देनी है कि किस लोकेशन में हम उस डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो। अब देखो उस लोकेशन का ही काम तो चल रहा है, अब उसी लोकेशन को जानकर हम डिलीशन करेंगे, उसी लोकेशन को जानकर हम सर्च करेंगे और उस डाटा की वैल्यू को रीअरेंज करेंगे, सीक्वेंस में लाएंगे चाहे इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग, उसका मतलब है सॉर्टिंग। और मर्जिंग का क्या मतलब है, मर्जिंग का मतलब है किसी भी दो लिस्ट को, दो डाटा की लिस्ट को जोड़कर एक न्यू लिस्ट को बनाना। तो हमने क्या किया, हमने अब, हमें अब इन ऑपरेशंस का पता चल गया, हम अब एक डाटा स्ट्रक्चर बनाना शुरू हुए। तो मैंने क्या किया, मान लो कि डाटा बहुत बड़ा है, तो मेरे दो फ्रेंड हैं, ये आ गया फ्रेंड ए, ये है मेरा फ्रेंड बी, ये बी का डाटा है, ठीक है, ये ए का डाटा है, ये बी का डाटा है, बोलता ठीक है। तो ए ने क्या किया, ए ने ए को भी इन ऑपरेशंस का पता था और बी को भी पता था, दोनों ने इन्हीं ऑपरेशंस को लेके एक डाटा क्रिएट की है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले ट्रांसफर्सिंग को समझा, उनको पता था कि हमने हर एक डाटा को एग्जैक्टली तरीके से डालना है, और उनको पता था सॉर्टिंग का भी कि जिस डाटा को हमने डालना है वो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। अब इसका भी पता था, इसका भी पता था, ठीक है, उनको डाटा मिल गया, मान लो ये डाटा है, कुछ भी डाटा है। अब उन्होंने क्या किया, इंसर्शन का मदद ली, इंसर्शन ने कहा कि जिस डाटा को आप डाल रहे हो जिस पोजीशन पे, उस लोकेशन को याद कर लो भाई। उसने कहा ठीक है, इसने भी ऐसे कर करके लोकेशन याद की और इसने भी ऐसे कर करके लोकेशन याद कर ली, भाई ये मेरी लोकेशन, ये मेरी लोकेशन, ये मेरी लोकेशन, ये लोकेशन सेट कर दी इन्होंने, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या था, अब इन दोनों ने कहा यार मेरी भी डाटा हो गई, इसने कहा मेरी भी हो गई, इन्होंने कहा चल अपने डाटा मिला के एक न्यू डाटा क्रिएट करते हैं, इन दोनों ने मर्ज कर लिया, क्या किया, मर्ज कर लिया और हमको एक न्यू डाटा दे दिया भाई, हमको क्या दे दिया, एक न्यू डाटा दे दिया। अब ये न्यू डाटा क्रिएट हुआ दोनों का मिला के, ये 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 डाटा बन गया, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन समझ लो, हमने वो बना ली।
अब मान लो वहां पे एक बंदा आया। अब हमने डाटा मान लो जो क्लियर की थी, उस बंदे को कोई डाटा चाहिए, तो वो क्या करेगा, सर्च करेगा। तो वो डाटा देखेगा, बोलेगा कि मेरे को मान लो ये वाली डाटा चाहिए, तो मैंने इस जगह की लोकेशन अपने पास रखी होगी। मैं कहूँगा ठीक है, मैं इस लोकेशन को यहाँ पर भेजूंगा और चेक करूंगा ये लोकेशन कहाँ पे है। मान लो ये लोकेशन यहाँ पे मिल गई, ये इस लोकेशन के पास जाएगा, इसको बोलेगा भाई जो डाटा है वो मेरे को दे दे। बोल देगा कैसे दूं? मैंने कहा यार डिलीशन ऑपरेशन लगा, वो ये वाला ऑपरेशन लगाएगा, लास्ट डिलीशन ऑपरेशन। इस लास्ट ऑपरेशन को लगाएगा और डाटा को बाहर लाएगा, वो डाटा हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन काम करता है। फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये समझ आई हो, मैंने अपने से कोशिश की कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे ये ऑपरेशंस काम करते हैं और ये क्या ऑपरेशंस हैं। थैंक्स फ्रेंड एंड कीप सपोर्टिंग मी कि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहूं और आपकी पढ़ाई में हेल्प करता रहूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वेलकम।